तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, राम राम मेरे सारे भाई अन्ना, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं जा रहा हूँ गाइस, आज किसी जगह जा रहा हूँ घूमने के लिए। मतलब घूमने के लिए तो नहीं कह सकता हूँ, पर जा रहा हूँ किसी जगह कुछ किसी काम से। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ब्लॉग भी शूट कर लिया जाए साथ साथ में। तो आपको दिखाता हूँ, मतलब आपको दिखाऊंगा, अभी बता दूंगा तो फिर उतना मजा नहीं आएगा। अभी मतलब चलते हैं, दिखाऊंगा आपको जगह पे क्या क्या होता है और किस प्रकार से हम जगह का अपना मतलब दिखाऊंगा कैसे कैसे। तो वीडियो को थोड़ी सी भी स्किप मत करिए, आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। ये देखिए हमारे भाई लोग भी यहाँ पे, भाई लोगों हाय कर दो। तो गाइस बने रहिए मेरी वीडियो के साथ और चलते हैं फिर। इधर देखिए पूरा जंगल टाइप का है, इधर यहाँ पे पूरा सुनसान एरिया है और इधर के साइड रोड है। और ये रोड मतलब सुनसान रह दिया काफी, दिन में आपको दिन में भी कोई नहीं मिलेगा, रात में भी कोई नहीं मिलेगा, इस रोड पे कोई नहीं मिलेगा। और ये इसके ऊपर फ्लाई ओवर है। तो गाइस मैं यहाँ से जा रहा था धीरे धीरे, और तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाऊं। ये जमीन मतलब काफी सालों से ऐसी खाली पड़ी हुई है, तो मतलब कुछ लोगों ने इसका गैर कब्जा भी कर लिया है। और मतलब गाइस मैं काफी टाइम बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो मतलब मेरे को थोड़ी हिचकिचाहट सी भी हो रही है बोलते वक्त कैमरे के आगे। जैसे मतलब काफी टाइम बाद बोलते हैं, जैसे बोल होता नहीं काफी टाइम बाद किसी से मिलो तो मतलब ऐसे नर्वस सा फील करता है इंसान, वैसे ही। तो मैं काफी टाइम बाद कैमरे के आगे बोल रहा हूँ, तो मुझे भी थोड़ा ऐसे नर्वसिंग जैसी लग रही है। बाकी तो ऐसी कुछ है नहीं। तो यहाँ पे हमें एक भैया मिले हुए हैं और मतलब इन्होंने कहा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो भैया अभी हमारा चैनल सर्च कर रहे हैं, अभी सब्सक्राइब करेंगे। एक भाई मिला था अभी हमें यहाँ पे, भैया मिले थे, उन्होंने उनसे करवाया चैनल सब्सक्राइब और अब बढ़ रहे हैं आगे की ओर। और मौसम भी आज काफी धुंधला धुंधला हो रहा है, कोहरा टाइप का लगा हुआ है। मतलब ठंड सी तो नहीं हो रही वैसे ज्यादा, हल्की फुल्की हो रही है ठंड, क्योंकि धूप भी निकली हुई है अच्छी खासी। तो गाइस इस वक्त मैं हूँ, मतलब ये एरिया है बस पार्किंग वाला, मतलब यहाँ पे बस बस पार्किंग होती है। और देख सकते हैं काफी, देखिए काफी मतलब बड़ा एरिया है यहाँ पे, बस मतलब बसें ज्यादा मिल दिखेंगी आपको। मैं यहाँ पे आपको दिख रही है बसें बसें दिखेंगी इधर के साइड में भी, मतलब काफी बड़ा एरिया है ये। स्पाइस मॉल के पीछे वाला एरिया बहुत बड़ी जमीन है, काफी खाली रहती है। यहाँ पे आपको बसें ही बसें दिखेंगी। और क्योंकि मैं इसी जगह से दिखा रहा था तो मैंने कहा, जा रहा था तो मैंने कहा आपको भी दिखा देता हूँ। और आगे इधर की तरफ है नोएडा स्टेडियम, वो देखिए नोएडा स्टेडियम है पूरा। और मैं रोड से जा रहा था, मैंने कहा दिखाता हूँ आप लोगों को भी। काफी बड़े यहाँ पे ज्यादातर मतलब लोग भैंस वैंस चराने भी आते हैं, मतलब जो उस प्रकार के लोग रहते हैं यहाँ के गुजर लोग, देसी लोग। तो वहाँ पे भैंस गाय भी चराते हैं काफी दूरी पे, जैसे आपको दिख भी रही होगी वहाँ पे, वो देखिए गाय भैंस चरती हुई। और बाकी यहाँ पे शाम के टाइम में काफी भीड़ रहती है, लोग यहाँ पे बच्चे क्रिकेट विकेट भी खेलने आते हैं। और मतलब काफी लंबा रूट है, कम से कम मैं 2-3 किलोमीटर चल गया हूँगा, उसके बाद भी खत्म होने का नाम नहीं है इसका। तो चलते जा रहा हूँ, मैं चलते जा रहा हूँ जहां तक मुझे बाहर जाने निकलने का रास्ता ना मिले यहाँ से। और काफी मतलब यहाँ पे शांति तो मिलती है, जो गंदगी है काफी इधर के एरिया में, गंदगी तो इधर की तरफ से है शायद से गाइस बाहर जाने का रास्ता। और बाहर जाने का रास्ता बाहर की ओर, और अभी हम किस वाले रूट पर है देख सकते हो आप, ये सेक्टर 25A है। अब यहाँ से जाएंगे आगे की ओर। तो गाइस बता दूं मैं फाइनली सेक्टर 23 में और यहाँ पे कर रहा हूँ ब्लॉगिंग रोड पे। और रोड पे आप देख सकते हैं कि काफी ट्रैफिक जाम नहीं है, काफी खुली हुई है रोड। और ये बोर्ड जैसा कि मुझे दिख रहा है सेक्टर 58 कंचनजंगा मार्केट और NH 24 लिखा है इसमें, और मेरे को जाना है 57 की तरफ। तो मैं इधर जाऊंगा क्योंकि 57 भी इधर ही पड़ेगा, मुझे किसने बताया था। तो मैं इधर की तरफ जाऊंगा राइट में, यहाँ से राइट हो लूंगा। तो गाइस इस वक्त मैं सेक्टर 57 में हूँ और मुझे सरकार की वाली योजना काफी अच्छी लगी है, ये फुटपाथ बना दिया यहाँ पे सड़क पे रोड लोगों के चलने के लिए। और मतलब काफी अच्छी सुविधा है क्योंकि यहाँ से रोड से थोड़ा मतलब गाड़ियों से प्रकार से बचा जा सकता है, नहीं तो आए दिन एक्सीडेंट में लोगों की ऐसी सड़क दुर्घटना में मतलब हो जाती है मौत, तो उससे बचने में काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। और
कर लिए फाइनल। मेरा दोस्त आया था यहाँ पे मिलने के लिए और यहाँ से आपको व्यू दिखाऊंगा किस प्रकार का। देखिए रोड यहाँ से काफ़ी अच्छी लग रही है, मैं काफ़ी ऊंचा तो नहीं, अभी फर्स्ट फ्लोर पे हूँ वैसे। और देखिए गाइस ये रोड के बगल में देखिए रेडिसन होटल है, देखिए साफ सफाई भी चल रही है ऊपर की तरफ और काफ़ी बढ़िया दृश्य से दिखता हुआ रोड पे। और रोड काफ़ी खतरनाक इतना सारे दिखते हुए अब जा रहा हूँ गाइस मैं। अब फाइनली बताऊँ तो अब जाके मेरा काम खत्म हुआ है, जिस काम के लिए मैं आया था बाद में बताऊँगा आपको किस काम के लिए आया था, और अब जाके खत्म हुआ है तो अब जाके घर जा रहा हूँ। मतलब काफ़ी टाइम हो गया वैसे और बड़ा दिमाग भी ख़राब हो रहा था, पता नहीं क्या क्या भाई दिमाग में बड़ी दिक्कत थी, क्या क्या कद हो रही है, क्या क्या हो रहा है। अब जाके थोड़ा जब काम हो गया तब सही लग रहा है थोड़ा गाइस। और गाइस वहाँ पे एक लौंडा पीछे जा रहा है अपनी सेटिंग को ले जाते हुए, सेटिंग बाजू वाले लोग हमारे देश में ज़्यादा हो चुके हैं। और मतलब अपना जो नोएडा है ना, अपने नोएडा में पेड़ पौधे ज़्यादा है, मतलब ये इस बात के लिए मुझे अपना नोएडा काफ़ी पसंद है। दिल्ली से तो मारूंगा, दिल्ली में मतलब एक पेड़ देखने को नहीं मिलेगा आपको, कहीं पे भी जाओगे दिल्ली में नहीं मिलेगा, और नोएडा में पेड़ पौधे। तो गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा ये घर का हरा भरा था, मतलब ये जो वेस्ट हो जाता है सब्जियों का, तो वो था मेरे पास पड़ा हुआ, तो मैं मतलब गाय को देने के लिए आया था यहाँ पे। खाता हूँ आपको गाय को दे, तो यहाँ पे गाय को डाल दिया है मैंने, वह माता को खा लो खा लो, ठीक है खा लो, ये घर का वेस्ट हरा भरा सब्जियों का। इनको हम कूड़े में नहीं फेंकते, हम इनको मतलब बाहर गायों को दे देते हैं। अगर आपको भी ऐसा कुछ आपका भी घर का वेस्ट होता है तो आप ये गायों को दिया करिए और कूड़े में ना फेंका करें, ये मेरी वो है आपसे ख्वाहिश। तो फाइनली अब मैं जा रहा हूँ घर की ओर, और अभी काफ़ी टाइम हो गया है, 1 बज गया है दिन का, अब जा रहा हूँ घर की ओर और बाद में दिखाता हूँ आपको, बने रहिए मेरे ब्लॉग में।